तो अब हम सेकंड बुक की तरफ आ रहे हैं। प्रोज बुक से पहले जैसे फर्स्ट टाइम में हमने किया था कि प्रोज बुक हमने एंड में पढ़ा था, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हम यहाँ पर प्रोज बुक एंड में पढ़ेंगे। तो प्रोज से पहले हम नॉवल बुक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में आपके पास प्ले होते थे और सेकंड टाइम में आपके पास क्या होता है कि प्ले नहीं है बल्कि नॉवल है। व्हाट इज़ अ नॉवल? एक नॉवल किसे कहते हैं? प्ले और नॉवल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। नॉवल के अंदर एक चीज़ ज़रूरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्लॉट। नॉवल के अंदर प्लॉट का होना ज़रूरी है। एक तो प्लॉट जो घरों को बनाने के लिए हम प्लॉट यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्लॉट। और एक प्लॉट होता है जो नॉवल को लिखने से पहले लिखा जाता है। मतलब कि जब भी कोई नॉवलिस्ट नॉवल लिखता है तो पहले वो सेंट्रल आइडिया समराइज्ड वे पर पूरी कहानी को पहले बयान करता है वो, ठीक है? तो उसी छोटे से कुछ पेजेस के अंदर, जैसे कि अगर वो कोई अगर 800 पेजेस के नॉवल को लिख रहा है तो वो 10-12 पेजेस के अंदर क्या करेगा, उसका सेंट्रल आइडिया या समरी लिखेगा, उसको हम लोग कहते हैं प्लॉट। जिस तरह पहले प्लॉट बनता है, प्लॉट के ऊपर घर तामीर होता है, बिल्कुल वैसे प्लॉट पर पूरे नॉवल को लिखा जाता है। जबकि प्ले के अंदर जो है वो प्लॉट नहीं होता, जस्ट कैरेक्टर्स और डायलॉग्स होते हैं, ठीक है? इसलिए ये एक नॉवल है। नॉवल इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन। फिक्शन मतलब फेक स्टोरी, एक झूठी कहानी है। रियल में दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। तो नाम है नॉवल का द प्रिजनर ऑफ जेंडा, जेंडा का कैदी, दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक। और एक कंप्लीट एक बुक आपके पास है जिसके ऊपर लिखा होगा द प्रिजनर ऑफ जेंडा, और 200 पेजेस की किताब होगी वो, पूरा 200 पेज एक ही चैप्टर है, एक ही स्टोरी है, ठीक है? तो चूंकि इतनी बड़ी स्टोरी है 200 पेजेस की, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन वगैरह लेना पड़ेगा, तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। द प्रिजनर ऑफ जेंडा पेपर के अकॉर्डिंग जो है 25 मार्क्स के लिहाज से ये आता है पेपर में, 25 नंबर तक का। चूंकि सेक्शन सब सेक्शन 3 जो आपका होता है वो पूरा का पूरा नॉवल सेक्शन होता है। ए सब सेक्शन 1 जो आपका होता है बी में, वो आपका प्रोज होता है। सेकंड सब सेक्शन जो आपका होता है वो आपके पोम्स का होता है। और थर्ड सब सेक्शन आपका होता है नॉवल का, जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स आपके वहाँ से बन जाते हैं। और एटलीस्ट 5 MCQs उसके सेक्शन ए में होते हैं, तो 25 नंबर इसके आपके पूरे 100 नंबर के पेपर में इसी के बनते हैं। 25% ऑफ कोर्स है आपके ये, मतलब जो एक चैप्टर एक कहानी एक स्टोरी जो 25 नंबर आपको देगा, ठीक है? बट वो एक स्टोरी बहुत लॉन्ग है, 22 मैं बहुत सारे चैप्टर्स उसके अंदर हैं। देर आर सो मेनी चैप्टर्स इन जस्ट वन स्टोरी। सो प्रिजनर ऑफ जेंडा इज रिटन बाय द नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट का नाम है द सर एंथनी होप हॉकिंस। तो ये इसके लिखने वाले हैं, सर एंथनी होप भी इनको हम कहते हैं, पूरा नाम है एंथनी होप हॉकिंस, जिन्होंने इसको लिखा है। अब इस स्टोरी के अंदर आते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है इंग्लैंड, एक कंट्री है इंग्लैंड के सिटी लंदन से, लंदन के शहर से। लंदन सिटी के अंदर एक घराना रहता है जिसको हम लोग कहते हैं बर्लिसडन फैमिली, बर्लिसडन या रोजेंडाइल फैमिली एक रहती है। बर्लिसडन या रोजेंडाइल फैमिली एक नोबल फैमिली है, एक शरीफ और एक आला घराना है इंग्लैंड लंदन सिटी के अंदर, जिसके अभी इस वक्त जो हेड हैं वो है लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन। लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन इज़ द हेड ऑफ दिस फैमिली, जो कि जिनका निक नेम है बॉब। बॉब इनको प्यार से निक नेम इसका है। लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन शादीशुदा हैं और इनकी वाइफ का नाम है लेडी रोज बर्लिसडन, ये नाम है रॉबर्ट की वाइफ का। और लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन एक एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है रडल्फ रोजेंडाइल। एंड रडल्फ रोजेंडाइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज ही इज़ द हीरो और प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल। रडल्फ रोजेंडाइल जो लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन के छोटे भाई हैं, ठीक है? अब लॉर्ड रडल्फ रोजेंडाइल एक हीरो हैं, और कैसे हीरो हैं? क्लासिकल हीरो हैं। क्लासिकल हीरो मतलब पुराने ज़मानों में जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं तो उसके हीरो के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती थी वो रडल्फ रोजेंडाइल के अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एज इनकी जो है वो 29 ईयर्स की, 29 साल के हैं ये, ठीक है? तो 6'2" इनकी हाइट है, 6'2" लंबे हैं, मतलब काफ़ी लंबे भी हैं। वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे तालीम याफ्ता हैं। स्पीक्स इंग्लिश फ्रेंच एंड जर्मन, 3 ज़बानें बोलते हैं। इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच जर्मन ये दोनों ज़बानें बोलनी आती हैं। शॉट्समैन है, तलवारबाज है, तलवार चलानी आती है। मार्क्समैन है, मार्क्समैन से मुराद कह सकते हैं कि गुड शॉट भी कह सकते हैं ना, कि अच्छा निशान है इनके, जैसे कि अच्छा निशान है, जैसे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो एक मार्क्समैन थे, ठीक है? निशाना अच्छा है। हॉर्स राइडर है, शहसवार है, घुड़सवार है, घोड़ चलाना आता है। एडवेंचरर्स हैं, मुहिमजू हैं, मुहिम एडवेंचर को जाना चाहते हैं डिफरेंट एडवेंचर्स में। और इनके फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। रेड हेयर्स, लॉन्ग नोज, ब्लू आइज, लाल बाल हैं इनके, लंबी आँखें इनकी और नीली आँखें इनकी हैं। यही टोटल ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो रडल्फ रोजेंडाइल के अंदर है, अच्छा ये इनके भाई लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन के अंदर नहीं है। लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन या बॉब इनके ब्लैक हेयर्स हैं, इनके काले बाल हैं,
ठीक है, इनके ब्लैक हेयर्स हैं जबकि इनके छोटे भाई के रेड हेयर्स हैं। तो इसलिए इस फैमिली को बर्लिस्टाइन रोजेंडाइल दोनों कहते हैं। इस फैमिली के अंदर जिसके ब्लैक बाल होते हैं उनको कहलाया जाता है बर्लिस्टाइन, और जिस बच्चे के रेड हेयर्स ग्रो हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रोजेंडाइल्स। ठीक है, तो बी फॉर ब्लैक एंड बी फॉर बर्लिस्टाइन, आर फॉर रोजेंडाइल, आर फॉर रेड, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड हेयर्स और ब्लैक हेयर्स, अच्छा ये हेयर्स का मामला क्यों आता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स के हेयर्स इसमें होते हैं। बर्लिस्टाइन और रोजेंडाइल दोनों क्यों कहलाते हैं ये लोग, इसलिए रोडल्फ के नाम के आखिर में रोजेंडाइल है और रॉबर्ट के आखिर में बर्लिस्टाइन लगा हुआ है। वजह ये है दोनों एक ही घराने के भाई हैं, सगे भाई हैं। अच्छा, अब ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक इनकी हैं, रेड हेयर्स, लॉन्ग नोज, ब्लू आइज, ये तीनों कैरेक्टर्स बिल्कुल है एल्फवर्क कैरेक्टरिस्टिक, एल्फवर्क के कैरेक्टरिस्टिक। अभी एल्फवर्क कौन लोग हैं, आते हैं यहाँ पर। एल्फवर्क्स आर द रॉयल फैमिली ऑफ रूरिटानिया। रूरिटानिया का एक शाही घराना है। एक अब रूरिटानिया क्या है ये, तो रूरिटानिया के लिए यहाँ पर आते, इट इज़ एन इमेजिनरी कंट्री इन यूरोप, यूरोप का एक तखयलाती मुल्क है ये। इट इज़ अ नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड मतलब जो दुनिया में कभी नहीं रहा। रूरिटानिया एक ऐसा कंट्री है जो पहले कभी मौजूद था ना, आज कभी मौजूद है। ये सर एंथनी होप हॉकिंस ने अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने इमेजिनेशन से पूरे कंट्री ही बनाया है इस नॉवल के लिए, दैट इज कॉल्ड रूरिटानिया। नक्शे में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा दुनिया की, ये यूरोप के अंदर सम हाउ ये मौजूद है बेल्जियम, जहाँ पर आज बेल्जियम मौजूद है, तो बेल्जियम के ही सेम लोकेशन पर जो है वो रूरिटानिया को इसने बनाया है। ठीक है, और उसी के फीचर्स भी उसको बेल्जियम जैसे ही दिए। तो रूरिटानिया एक इमेजिनरी कंट्री है, एक तखयलाती मुल्क है। ठीक है, किसमें, यूरोप के अंदर, और जिसके रॉयल फैमिली हैं एल्फवर्क्स। अब जाहिर सी बात है रूरिटानिया ही रियल नहीं है तो एल्फवर्क भी रियल नहीं होंगे, लेकिन बेल्जियम में एक फैमिली थी हेस्बर्ग के नाम से, हेस्बर्ग फैमिली। तो हेस्बर्ग फैमिली से इंस्पायर होकर एंथनी होप हॉकिंस ने एल्फवर्क का नाम लगाया, तो वो हेस्बर्ग तो एक रियल फैमिली थी। ठीक है, तो रूरिटानिया का एक सूबा है जिसका नाम है जेंडा, उसमें दो मशहूर जगह हैं, एक है जेंडा, जेंडा जो उसका स्टेट है, स्टेट मतलब उसका प्रोविंस है, और एक है स्टेल्सो, स्टेल्सो उसके कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, जैसा इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, वैसे ही रूरिटानिया का कैपिटल सिटी है स्टेल्सो। स्टेल्सो में बादशाह, मलका वगैरह वहीं रहते हैं। तो अब रूरिटानिया फैमिली के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये तीन लोगों का नाम याद रखें। सबसे पहले रोडल्फ एल्फवर्ग द फिफ्थ, इनके खानदान में जो भी लोग होते हैं उनके नाम के आखिर में जो एल्फवर्ग आ रहा होता है। ठीक है, तो रोडल्फ एल्फवर्ग द फिफ्थ, अब ये एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है इस पूरे प्ले के अंदर कि देयर आर टू रोडोल्फ इन दिस नॉवल, दो रोडोल्फ इस नॉवल में, एक हमारे हीरो हैं जिनका नाम है रोडोल्फ रोजेंडाइल और दूसरे ने रोडोल्फ एल्फवर्ग, दोनों ही रोडोल्फ्स हैं। सोच ले बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं इस प्ले नॉवल को पढ़ते हुए कि कब किसकी बात की जा रही है। तो हम इनको नॉर्मली एल्फवर्ग कहते हैं, मैं जो पुला रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ एल्फवर्ग, उनको रोजेंडाइल कहता हूँ, मैं रोडोल्फ नहीं कहता दोनों में से किसी को भी, ठीक है बच्चे कन्फ्यूज ना हो। तो रोडोल्फ एल्फवर्ग द फिफ्थ, पांचवें मतलब इस, अब इसमें क्या होता है कि रूरिटानिया के अंदर के जो भी बादशाह आता है उसका नाम हमेशा रोडोल्फ रखा जाता है, और रोडोल्फ के साथ कोई नंबर लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर ऐसा दे देते हैं। ठीक है, तो रोडोल्फ एल्फवर्ग द फिफ्थ है ये, और प्रिंसेस फ्लेविया और ड्यूक माइकल या ब्लैक माइकल। रोडोल्फ एल्फवर्ग द फिफ्थ जो है वो प्रिंस टू बी क्रोन्ड है, ये वो शहजादा है जिसको ताजपोशी की रस्म होने वाली है, जिसकी कॉरोनेशन सेरेमनी होने वाली है, क्योंकि इसका बाप जो था रोडोल्फ एल्फवर्ग द फोर्थ, बिल्कुल उसकी मौत जैसी हुई है उसी के बाद उसके नॉवल स्टार्ट हुआ है। तो उसका मतलब ये शहजादा है जो कि कुछ ही दिनों में बादशाह बन जाएगा, क्योंकि रोडोल्फ एल्फवर्ग द फोर्थ हैज जस्ट डाइड, वो अभी भी मरा है। ठीक है, इस नॉवल की स्टार्टिंग जैसी हुई है, देखा जाए ये नॉवल कितना पुराना है, तो लगभग 200 साल पीछे आप चले जाएं, 200 साल पीछे जाएंगे तो इतना पुराना ये नॉवल है, इसकी स्टोरी वगैरह 200 ईयर्स बैक। तो हमें जब भी इस नॉवल को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें 200 ईयर्स बैक की चीज़ें ध्यान में डालनी पड़ेंगी, इमेजिन करनी पड़ेंगी। तो आज के दौर के हवाई जहाज वगैरह इस तरह की चीज़ों को हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं इस नॉवल में। तो रोडोल्फ एल्फवर्ग द फिफ्थ जो है वो प्रिंस टू बी क्रोन्ड है, वो शहजादे हैं जिनको ताजपोशी की रस्म होने वाली है। प्रिंसेस फ्लाविया, प्रिंसेस फ्लाविया इज़ द फीमेल प्रोटागोनिस्ट, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि शी इज़ द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो ये क्या है भाई, प्रिंसेस फ्लाविया, शी इज़ द फर्स्ट कज़न ऑफ प्रिंस, प्रिंस रोडोल्फ एल्फवर्ग की फर्स्ट कज़न है पहले तो ये, एंड हिज फियांसे, और उसके साथ उनकी मंगेतर भी हैं ये, मतलब उनसे उनकी शादी होने वाली है। ठीक है, तो प्रिंसेस फ्लाविया और रोडोल्फ एल्फवर्ग दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे बोथ आर फियांसे। ठीक है, मंगेतर है आपस में ये। अच्छा, ड्यूक माइकल, ही इज़ द एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट तो सब जानते हैं, एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं, विलन, ये नेगेटिव रोल यहाँ पर आ गया, विलन आ गया उसके अंदर, तो ये विलन है। ठीक है, नेगेटिव रोल इनका है ड्यूक माइकल या ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल कौन है, गवर्नर है स्टेल्सो का, स्टेल्सो जो शहर है उसके गवर्नर है।
स्टेप ब्रदर ऑफ द प्रिंस, सौतेले भाई हैं प्रिंस रुडोल्फ एल्बर्ग के, एंड इशू ऑफ द मॉर्जेंटिक मैरिज, और ये औलाद हैं, इशू मतलब औलाद हैं मॉर्जेंटिक मैरिज से। चूंकि उस जमाने में रोरेटानिया में दो तरह की शादियां, या कोई भी बादशाह जो है ना दो तरह की शादियां करता है, एक वो कहलाता है रॉयल मैरिज और दूसरी शादी उसकी कहलाती है मॉर्जेंटिक मैरिज। रॉयल मैरिज वो करता है जो अपने खानदान में करता है, और मॉर्जेंटिक मैरिज जो अपने खानदान से बाहर करता है। ये रूल है तमाम बादशाही निज़ाम के अंदर, मोनार्की सिस्टम के अंदर, कि हमेशा वो बच्चा जो रॉयल मैरिज से पैदा होता है उसी को बादशाह बनाया जाता है, और मॉर्जेंटिक मैरिज से पैदा होने वाले किसी भी बेटे को जो है वो बादशाह नहीं बनाया जा सकता उस मुल्क का। करते तो है मॉर्जेंटिक मैरिजेस, लेकिन उनको भले वो कोई और सी पोस्ट दे दें, गवर्नर बना दें, ड्यूक बना दें, लेकिन वो जो है वो उसको बादशाह नहीं बना सकते। जैसे ड्यूक माइकल बादशाह नहीं बन सकता, मतलब प्रिंसेस प्रिंस रुडोल्फ को ही बादशाह बनना है, ठीक है, इसलिए वो एक विलन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि अभी हमें अब तक जिसके बारे में नहीं पता लग सका, वो ये कि वाई देयर आर, कि ये जो रिजेंडाइल है इसके कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों कैरेक्टर रेड एयर्स, लॉन्ग नोज और ब्लू आईज, ये कैसे हैं एल्बर फैमिली के अंदर? ये तो एल्बर फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक थे, वो इसके अंदर क्यों आ गए रिजेंडाइल के अंदर या इस फैमिली के अंदर? जो कि वो तो अलग कंट्री, रोरेटानी और इंग्लैंड एक अलग कंट्री है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर वापस के बिल्कुल बल्डिजन रिजेंडाइल के पीछे के पीछे किसे नस्ल में, काफ़ी नस्ल अगर इसमें हम पीछे जाते हैं तो हमें वहाँ पर मिलते हैं इसके सरबरा। बर्लिजन फैमिली के एक दौर में सरबरा थे जिनका नाम था लॉर्ड जेम्स बर्लिजन। लॉर्ड जेम्स बर्लिजन की वाइफ थी लेडी एमिली, इनकी वाइफ थी लेडी एमिली। लॉर्ड जेम्स बर्लिजन एक अच्छे दोस्त थे रोरेटानिया के, रोरेटानिया का एक बादशाह था किंग रुडोल्फ द सेकंड, जो फर्स्ट के बाद सेकंड बादशाह आया था। तो किंग रुडोल्फ द सेकंड और लॉर्ड जेम्स बर्लिजन दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। तो एक बार क्या हुआ कि रुडोल्फ एल्बर्ग द सेकंड वो रहने के लिए आया लॉर्ड जेम्स बर्लिजन के घर पे, मतलब वो उसने इंग्लैंड का विजिट किया तो साथ में अपने इस दोस्त के घर भी आ गया रहने के लिए। बट ही वॉज द स्नेक ऑफ द ग्रास, लेकिन वो निकला आस्तीन का सांप, और उसने अफेयर चलाया अपने दोस्त की वाइफ के साथ जिसका नाम था लेडी एमिली। उसका अफेयर चला कुछ दिनों तक, अफेयर चला, और ये जब अफेयर उसका चला तो बहुत मशहूर हो गई ये बात, और मशहूर होकर ये चीज़ें जो है वो आखिरकार मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह में आ गया कि भाई इन दोनों के बीच में अफेयर है। तो लॉर्ड जेम्स बर्लिजन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ड्यूल का चैलेंज किया, उन्होंने जो है वो ड्यूल का चैलेंज किया किंग रुडोल्फ द सेकंड को, जैसे कि हमने पढ़ा था काउंट मोंटे क्रिस्टो में ड्यूल के बारे में, कि ड्यूल का चैलेंज किया, मैं तुम्हें ड्यूल की चैलेंज करता हूँ। तो ड्यूल चैलेंज अलर्ट बात है, शरीफ लोग मैंने बताया तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और ड्यूल में क्या किया, लॉर्ड जेम्स बर्लिजन ने गोली मार दी किंग रुडोल्फ द सेकंड को, इस तरह के वो आखिरकार किंग रुडोल्फ द सेकंड जो है वो मर गए, ठीक है, और लॉर्ड जेम्स बर्लिजन जिंदा रहे। क्योंकि ड्यूल में हमेशा ये सुना है ना कि जो राइट होता है हमेशा वो बच जाता है और रॉन्ग हमेशा मर जाता है, इसलिए ड्यूल लड़ा करते थे, नोबल्स होते हैं वो इंग्लैंड के, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर पासिंग फ्यू मंथ्स, लेडी एमिली के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ, और उसके जो आँखें थीं वो ब्लू कलर की थी, और ये सेम ब्लू कलर की आँखें जो कि बर्लिजन फैमिली का खासा नहीं थे कैरेक्टरिस्टिक, ये ब्लू आँखें थीं एल्बर्ग फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो उस अफेयर की वजह से क्या हुआ कि लेडी एमिली के घर पे जो बेटा पैदा हुआ उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसे ही थी जैसे किंग रुडोल्फ द सेकंड की थी, मतलब ब्लू आइज, और जब वो बच्चा, और उसकी लंबी नाक भी थी उस बच्चे की, और जब वो बड़ा हुआ तो उसके जो हेयर्स निकले वो भी रेड निकले, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस बर्लिजन फैमिली के अंदर रेड हेयर्स की और ब्लू आइज की भी कैरेक्टरिस्टिक शामिल हो गए, और हर एक नस्ल दो नस्ल के बाद ऐसा होता था कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता था, क्योंकि डीएनए में अब ट्रांसफर होता रहेगा वो, जिसकी जो है वो रेड हेयर्स होते थे और ब्लू आइज होते थे। उन्हीं में से कुछ नस्लों के बाद पैदा हुआ रुडोल्फ रिजेंडाइल, जिसके रेड हेयर्स थे और लॉन्ग नोज थे और ब्लू आइज थे। बस समझ में आ गई कि क्या वजह थी मिलाप की, कि बर्लिजन और रिजेंडाइल दोनों नाम क्यों हैं उस खानदान के, ये काफ़ी एक बड़ी स्टोरी थी। रुडोल्फ द सेकंड के बाद आखिरकार उसके मरने के बाद रुडोल्फ द थर्ड, अच्छा दो उसके बाद दो बच्चे फिर उसके हुए, एक तो बेटा इसका रुडोल्फ द थर्ड हुआ, और एक इलीगल चाइल्ड बाय लेडी एमिली, है ना, जो लेडी एमिली के जरिए इलीगल चाइल्ड पैदा हुआ, तो ये फैमिली पूरी चले गई यहाँ पर, वो तो उसी में पर आखिरकार वो नस्ल चलती रही इसी बर्लिजन फैमिली के अंदर। रुडोल्फ एल्बर्ग द थर्ड के बाद आखिरकार फिर नेक्स्ट आए रुडोल्फ एल्बर्ग द फोर्थ, फिर इनकी मौत हुई, स्टोरी के शुरू में इनकी मौत हो चुकी, फिर आगे रुडोल्फ एल्बर्ग द फिफ्थ जिनके बारे में मैंने वहाँ बताया आपको, जो कि मंगिनी का मंगिनी जिन्होंने की भी है प्रिंसेस फ्लेविया से, शहजादी फ्लेविया से। अच्छा रुडोल्फ एल्बर्ग द फोर्थ ने भी दो शादियाँ की थी, एक शादी इसकी तो रॉयल मैरिज थी जिससे ये पैदा हुए थे, और जो मॉर्जेंटिक मैरिज की थी भी बताया तो उससे ब्लैक माइकल पैदा हुए थे, इसलिए ब्लैक माइकल को जो है, इसलिए ब्लैक माइकल की कैरेक्टरिस्टिक थी इसके काले बाल थे,
चूंकि ये रॉयल फैमिली में शादी नहीं की थी, और जो रॉयल मैरिज की थी तो उनके फिर रेड हेयर्स थे रुडोल्फ एल्बर्ट द फोर्थ के। बस समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें आप इसके अंदर बताई हैं। नेक्स्ट फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर मैप आपको दिखाया कि मैप में क्या है कि असल में जो रूरेटानिया है उसका बिल्कुल पड़ोस में कंट्री है जिसको हम कहते हैं जर्मनी, जो जर्मनी का एक बॉर्डर सिटी है ड्रेसडन। तो ड्रेसडन जो है वो बिल्कुल मिलता है कि उसके साथ रूरेटानिया के साथ, मतलब बॉर्डर्स मिलते हैं जर्मनी के सिटी ड्रेसडन के। फिर ड्रेसडन का शहर पार करोगे आप रूरेटानिया पहुंच जाओगे। आप रूरेटानिया में दाखिल होने के बाद 10 मील चलने के बाद आप पहुंचते हो एक जेंडा, फिर जेंडा से 50 मील के फासले पर स्ट्रेल्सो है, और दूसरा रास्ता जेंडा से लगे तो 5 मील के फासले पर एक अलग शहर है टार्लिन है। तो यहाँ पर हम हर एक शहर के बारे में विजिट करेंगे कि जेंडा में भी कुछ हुआ, कुछ सीन्स स्ट्रेल्सो में और कुछ सीन्स टार्लिन में होंगे। तो ये पूरा ये तीन शहर रूरेटानिया के इसमें एक्शंस हैं, इसके अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक स्टोरी यू आर गोइंग टू रीड इन योर लाइफ, और जो कि हमेशा आपको याद रहेगी जिंदगी भर, ये प्रिजन ऑफ जेंडा की स्टोरी। जैसे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इंसान को याद रह जाता है, सेम ये स्टोरी याद रह जाती है। यहाँ तक कि लोग अपनी आईडीज फेसबुक में बना लेते हैं, लड़कियाँ तो प्रिंसेस फ्लेविया के नाम से आईडी बनी हुई होती है, आप फेसबुक में जाना रुडोल्फ रोजेंडाइल के नाम से आईडी बनी हुई होगी। मतलब इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग उस प्ले को कि अपने फेसबुक आईडी का नाम चेंज करके इनके नामों भी रख लेते हैं। चूंकि जब एक चीज़ को 2 महीने जब तुम लगातार पढ़ोगे ना, तो उससे वैसे भी आपको इंसियत हो जाएगी इसको कैरेक्टर से, उसके स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ों से। तो लास्ट नोट मैं आपको बताता हूँ कि रुडोल्फ एल्बर्ट द फोर्थ की मौत हुई है, और स्टोरी है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव किसे कहते हैं कि जिस पर बीती है वही स्टोरी सुना रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेशन हो रही है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी सुनाने वाला है बच्चों, याद रखो रुडोल्फ रोजेंडाइल ही इज द पर्सन हु विल टेल यू द स्टोरी कम्प्लीटली। तो इसको जहाँ मैं आई लिखाओगे स्टोरी में, जहाँ जहाँ पर उससे मुराद होगी रुडोल्फ रोजेंडाइल, वो अपने साथ जो कुछ देखा है आंखों देखा हाल वो सब कुछ बता रहा है। हीरो जो है वो खुद ही कहानी सुना रहा है उसको कम्प्लीट। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। थर्ड पर्सन नैरेटिव में क्या होता है कि जो थर्ड पर्सन कहानी सुना रहा होता है। और सबसे आखिरी बात मैं बताऊंगा बॉलीवुड सीक्वल, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बॉलीवुड है या इंडियन मीडिया है वो हमेशा छापा मास्टर उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो सॉन्ग से लेकर जो है वो मूवी से लेकर सब कॉपी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के और डिफरेंट जगहों के। तो उन्होंने क्या किया कि इसी स्टोरी को कॉपी करके उन्होंने एक मूवी बना दिया पूरा इंडियन, सलमान खान की मूवी, तो जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम रतन धन पायो, ठीक है। अगर आपने ये मूवी अगर आपने कभी देखी है या अगर आपने इसका नाम सुना है, प्रेम रतन धन पायो इज़ द मूवी ऑफ सलमान खान, और ये मूवी असल में एक सीक्वल है बॉलीवुड का प्रिजन ऑफ जेंडा का। चूंकि उनको लगता है कि ये स्टोरी तो किसी को पता ही नहीं होगी, लेकिन इंडिया से ही जानते हैं कि कराची बोर्ड के बच्चों के पास पूरी किताब इसकी है जो हमें पढ़ते हैं उसको, वो उनको नहीं पता थी, तो हम फौरन से पहचान जाते हैं स्टोरी क्या है, ठीक है। तो वो काफ़ी पुरानी 200 साल पुरानी बात थी, जाहिर सी बात है, तो उस वक्त कॉपीराइट वगैरह का इशू शायद नहीं आया होगा उसके अंदर, क्योंकि बहुत पहले स्टोरी लिखी गई। बट ये कंप्लीट उसमें भी 2 पार्ट थे अगर किसी ने देखा है, सलमान खान के 2 थे, एक सौतेला भाई, तो फिर वो शीश महल उसका भी था, महल का नाम, तो पूरा स्टोरी है। ड्यूक माइकल भी जैसा भी कैरेक्टर उसमें था एक, ठीक है, जो कि एक वो था मतलब दावेदार था, बादशाह बनना चाहता था, तो पूरी स्टोरी उसके साथ है, ठीक है। बात समझ आ गई सारी?